माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9 से मैथमेटिक्स क्वेश्चन 1 पार्ट 7 को आप करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बैठे हैं तरीके से, सही से सुने, सही से आप लोगों की तवज्जो दे होंगे, आप लोगों के लिए यहाँ थोड़ा इसे हम महसूस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 पार्ट 7 थोड़ा सा लेंथी भी है, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल नहीं कह सकता मैं, आसान है अगर आपको समझ में आया तो, अगर आपने सही से सुना तो, सही से तवज्जो यहाँ पे दिया तो। और ये पेपर के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, तो पेपर के हवाले से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम उसको रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अगर दोबारा से इसको देखना चाहें और वो बातें दोहराना, अगर आपको याद आने कराना है, क्लास मेथड ने कुछ ऐसी बात की थी दोबारा अगर आप देखना चाहें तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर मिलेंगी और आपकी काफ़ी जो है ना ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स, टाइम जाए के बगैर स्टार्ट करते हैं। जब भी सिंपलीफाई हो, रूट वगैरह हो, पावर हो, तो मैंने आप लोगों को एक बात आप लोगों को कुछ यूं कही है कि आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, तोड़ना है। अब लफ्ज तोड़ना बोले तो इसको कैसे तोड़ना है, थोड़ा ले इसका ऐसे निकालना है और पार्ट पार्ट इसको डिफरेंट पार्ट के अंदर इसको ब्रेक करना है ना। तो 2 और 6 को कैसे ब्रेक करेंगे आप, हाँ 2 1 2 2 8 तो यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं। देखिए अगर यार 2 10 20 करके वन वहाँ के करके 2 8 भी कर सकते हैं, 2 5 2 4 2 2 2 7 3 9 3 3 और 3 1 का, ठीक है। हमारे पास क्या है 1 2 5, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 5 5 का 10 5 5 25 5 5 25 5 1 5। अब सही है, अब की सूरत में आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको इसके अंदर लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, गौर से देखिएगा की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने ये बनाया ना तो सर, ये तो हमें तो आता है, ये मसला नहीं, ये तो हम भी कर सकते हैं, ये आप में से किसी के लिए भी ये करना मुश्किल नहीं है, है ना। मसला ये है फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप कुछ यूं करें, 2 1 6 को ना यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 3 करें, इन तीनों को मिला के और इन तीनों को मिला के 3 के ऊपर 3 1 लिखे और पावर देखो 1 2 3, 2 की तादाद यहाँ कितनी है 3, तो आप 2 के ऊपर पावर क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे 1 2 3 की तादाद कितनी है यहाँ पे 3 के ऊपर पावर क्लियर है। अब हम इसको इसके अंदर कैसे लिखेंगे, तो देखो उसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इसके ये तो हमने 2 और 6 की जगह पे लिखा, लेकिन इसके ऊपर होल कौन सा पावर है, 2 पावर 3 क्लियर है बात। और 125 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, यानी 3 5 है, इसका मतलब ये है कि 5 के ऊपर क्यूब, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी एक स्क्वायर भी मौजूद है, ठीक है। अब ये जो बड़ा सा रूट है ना उसके साथ अभी मैं छेड़खानी करूंगा, यहाँ पे ही करूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, इसके बाद 0.044 अगर आप ये है डेसिमल पॉइंट, मैं इस पॉइंट को खत्म करूं फ्रैक्शन में लिखूं तो पता है ये क्या बनेगा, 4 ऊपर ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट की जगह नीचे क्या बनाएंगे 1, बाकी कितने डिजिट है उसके बाद 2, तो उन दोनों को किस में कन्वर्ट करेंगे 0 में, और इसके ऊपर पावर क्या है माइनस। भाई अंदर का काम पूरा हो गया, आप बाहर थोड़ा सा काम करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रूट है ना बड़ा सा सबके ऊपर, ये जो बड़ा सा रूट है मैं अलग अलग अप्लाई करूंगा, देखो इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से, इसके ऊपर अलग से, रूट को भी तोड़ा, रूट को भी तोड़ के इनको बर्बाद कर दिया। आ रही है बात, मैंने तवज्जो चाहिए आपके प्रॉपर तवज्जो के साथ, सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने इस वजह से किया कि ये और ये काट सके, मैंने इस वजह से किया ताकि हमारे पास चीजें सिंपलीफाई हो सके, ठीक है। और यहाँ जब बात यहाँ की आ रही, तो एक और स्टेप देखिए आप, बहुत खूबसूरत स्टेप है,
अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूंगा, 2 की पावर 3 ये वाला, और ये जो होल इसके ऊपर जो पावर है इसको अंदर करके 2 की पावर 3 कर दिया, और 3 की पावर 3 है कि नहीं, और ये अब जो ये रूट, ये वाला रूट इसको मैंने फर्दर ब्रेक किया, इसके ऊपर अलग कर दिया। यानी एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, एक मुले जुले घराने को तोड़ रहे हैं। ये लोग आपस में इकट्ठे बैठ रहे हैं ना, एकदम से हम इनको बर्बाद करेंगे, तोड़ अलग अलग हर चीज अलग अलग करके छोड़ दिया, है ना। और यहाँ पे 3 और 3 तो ऑलरेडी मौजूद है, इसके ऊपर 2 और 3 भी मौजूद है, और इसके ऊपर रूट अलग कर दिया, मसला तो नहीं है। और यहाँ पे क्या बच गया, 5 की पावर 3, ये तो मैंने कैंसिल कर दिया। और नीचे खतरनाक एक बात बता दू, 4/100 है कि नहीं, मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी, आप लोगों ने बतानी ये बात, आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या फर्क नजर आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर और एक और भी चेंजेस किया है मैंने। हाँ, जब भी आप इन दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी 4 को नीचे 100 को ऊपर करेंगे ना, ये जो माइनस पावर है वो आप प्लस हट जाएंगे, वो प्लस भी हो जाएंगे, नई बात है ना आप लोगों के लिए। नीचे सकता फिलहाल हमारे पास इस चीज की अब जरूरत नहीं है, ये आप लोग बाद में जो है ना करना चाहे तो वीडियो का दोबारा देख रहे हैं कैसे करते हैं। आप आगे प्रोसेस देखें, मसीह का प्रोसेस है, 4 कितना था, 100, 4.25 था, ये भी तो मसला नहीं ठीक है समझ में आ रही नहीं, ये का तो ये काट सकते हैं आराम से काटेंगे, और ये 2 और ये 2 और ये आराम से काटेंगे, क्या बचा फिर, 2 बचा इधर देखें, 2 बचा मल्टीप्लाई 3 बचा मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 बचा, इसके ऊपर कैंसिल हो गया ना, दो लिख लिया, डिवाइडेड बाई नीचे देखें 25 इसके ऊपर पावर 3, और यहाँ पे जी कोई क्वेश्चन यहाँ पे सर, अब तो चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में आया, यहाँ से आगे क्या करेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 × 6 × 5 की पावर 3 इधर देखो, अगर मैं इस रूट को खत्म करूं यहाँ से तो पता क्या बनेगा, 25 यस वो सही बोल रहे, वैसे ये 3 तो ऐसे ही रखो फिलहाल, यानी 25 के ऊपर पावर क्या है 3, रूट को खत्म करने से क्या आता है 1/2, रूट को खत्म करने से वो क्या आएगा 1/2, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखे देखो तो थोड़ा सा स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाना चाह रहा, अगर यही पे देखो पहले यूं था ना हमारे पास 3 × 3 बस 3 को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा पता है आपके पास, 3 × 3 / 2 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 3/2, ये बात क्लियर है क्या क्या बनेगा। अच्छा अब आगे देखें, 6 × 5 की पावर 3 ये जो 25 है ना इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 × 5 = 5 आएगा, कितने 5 है यहाँ पे, तो 5 कितने हैं स्मॉल करके 5 2, अब नीचे में क्या लिख रहा हूँ 5 × 2 × 2 और सही 5 2 तो 25 की जगह पे 5 2 किसकी जगह पे, और ये 3/2 ऐसे ही इसके साथ क्या हो रहा है 2 और 2 कैंसिल कर सकता हूँ, क्या बचा, क्या बचा 6 × 5 की पावर 3 × 5 की पावर 3 ये 5 की पावर 3 बिटा क्या हमारे पास क्या बच गया आखिर में 6 6 इज योर परफेक्ट आंसर।